भाई मेरे आगे से बाल थोड़े से उड़े हुए हैं, तो क्या मेरे को हेयर ग्रो करना चाहिए या नहीं, इस पर प्लीज़ वीडियो बना दो। और आपसे पहले भी एक वीडियो का कहा था, सोते टाइम बाल कैसे रखें जिससे टूटने का डर ना हो। ज़्यादा भाव खाने लग गए हो आप, चुपचाप वीडियो बना दो इन दोनों टॉपिक पे, गुस्से वाली इमोजी वो भी दो। हाँ भाई ही बना रहा हूँ, प्लीज कट मी सम स्लैक, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, आई गॉट माय एग्जाम्स गोइंग ऑन राइट नाउ, सो देयर इज ओनली सो मच आई कैन डू फॉर यू गाइस। भाई फिलहाल मैं वीक में 3 ही वीडियोस बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर सेटअप अभी नहीं है मेरे पास, सो प्लीज़ प्लीज़ बेयर विद मी फॉर नाउ। भाई सबके तुम्हारे ही टॉपिक्स हैं, मैं खुद अपने टॉपिक्स नहीं लाता, जो तुम लोग बोलते हो उन पे ही वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने टॉपिक्स लाया नहीं आज तक, एक दो होंगे बाकी तो ज़्यादा जो तुम लोग बोलते हो वो ही मैं बनाता हूँ भाई, सो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर नाउ। ओके सो हेयर सीरम्स, first we'll see what actually is a hair serum and how it does whatever it does, then we'll look at some benefits of using hair serum, and afterwards if you decide to use one I'm gonna tell you the proper way of using a hair serum, and after that we'll see some side effects of using the hair serums. Okay, so starting with the first thing, what is actually a hair serum? Hair serum कुछ ऐसी बहुत तगड़ी mystery नहीं है, कुछ active ingredients को लेके साथ में mix करके उनके proper proportions में mix करके उनको एक liquid में convert कर देते हैं और वो बन जाती है हमारी hair serum। तो active ingredients वो वाले ingredients होते हैं जो biological matter को affect कर सकते हैं। So hair serum basically penetrates deep into our hair strands, into our hair follicles. कॉर्टेक्स तक हेयर सीरम नहीं पहुंचती है, वो हेयर ऑयल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, हेयर सीरम सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे अपना काम कर सकती है। तो हेयर सीरम का बेसिक काम होता है ड्राई हेयर्स को ट्रीट करना, फ्रिजी हेयर को ट्रीट करना, डिटैंगल करना अगर उलझे हुए हैं तो, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं पॉल्यूशन के लिए, तो ये सब काम होते हैं हेयर सीरम के। एंड अनलाइक हेयर ऑयल्स जो हमारे स्कैल्प को भी नरिश करते हैं, सीरम सिर्फ हेयर लेंथ के लिए और बेसिकली ड्राई और डैमेज एंड्स के लिए बनाई है, तो उसको रूट्स पे यूज़ नहीं करते हम लोग। तो हेयर ऑयल और हेयर सीरम दोनों बहुत अलग चीज़ें, ऐसे नहीं कि तुम ऑयल की जगह पे सीरम को यूज़ कर सकते हो और सीरम की जगह पे ऑयल को, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। सीरम्स तो बेसिकली क्विक फिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अभी हेयर वॉश करके आए, सारे फ्रिजी हुए पड़े हैं, थोड़ा सा सीरम लगाया, बाल सेट। तो हेयर ऑयल का काम सीरम नहीं कर सकता, बस बालों को ठीक कर सकता है फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन। नाउ आई थिंक वी गॉट अ स्लाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ हेयर सीरम इज एंड हाउ इट वर्क्स, नाउ लेट्स लुक एट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ हेयर सीरम। हे गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट आईड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, अ लाइक टू द वीडियो एंड अ सब टू द चैनल विल बी रियली रियली अप्रिशिएटेड, एज इट रियली हेल्प्स मी कीप मायसेल्फ मोटिवेटेड टू ब्रिंग यू गाइस मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखो हेयर सीरम के बेनिफिट्स ना अनगिनत, कुछ भी बालों में दिक्कत हो हेयर सीरम, बालों को स्मूथ करना है हेयर सीरम, बालों से फ्रिज हटानी है हेयर सीरम, बालों में शाइन लगानी है हेयर सीरम, डैमेज्ड बालों को रिपेयर करना है हेयर सीरम, पॉल्यूशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह से उनसे अगर प्रोटेक्ट करना है बालों को हेयर सीरम। तो भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेयर सीरम्स के, अगर बताने लगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली अगर तुम्हारे ड्राई हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, तो उनको टेम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी हेयर सीरम से। अगर फ्रिजी हेयर हैं, सारे इधर उधर नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो हेयर सीरम से बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी अगर तुम मान लो हीट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, तो हेयर सीरम एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी काम करता है। थोड़ा सा हेयर सीरम लगाया उसके बाद तुम लोग हीट को यूज़ कर सकते हो। अब ऐसे नहीं कि मतलब जो डेडिकेटेड हीट प्रोटेक्टेंट्स आते हैं उनसे कंपेरेबल है, नहीं, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे देगा पर उस लेवल पे नहीं देगा। एंड अदर देन दैट यू कैन यूज़ अ हेयर सीरम एज अ प्री स्टाइलर और एज अ पोस्ट स्टाइलर और एज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो बहुत सारे यूजेज हैं हेयर सीरम के, तुम जैसे जिस काम के लिए चाहो उस काम में हो ही जाएगा यूज़। बालों को रिपेयर करना है तो हेयर सीरम लगा सकते हो, अगर कोकोनट ऑयल एंड्स में नहीं लगाना तुम्हें तो हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मतलब जिस काम के लिए तुम्हें हेयर सीरम चाहिए उसके लिए डेडिकेटेड कोई प्रोडक्ट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जिसमें डेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हों जो तुम्हारे बालों को या तुम्हारी कंडीशन को सूट करें। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू गो विद अ सर्टेन प्रोडक्ट। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट हेयर सीरम्स कैन बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस एंड इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी when and how you can apply hair serums. देखो हेयर सीरम को बेसिकली गंदे बालों में नहीं लगाना है, ऑयली हो रखे हैं या फिर
डर्ट जमा हुआ है बालों में, तो उस टाइम पे नहीं लगाना है हेयर सीरम को, क्योंकि अगर गंदे बालों में लगाओगे तो बल्कि ऑयली और ग्रीसी हो जाएंगे तुम्हारे बाल, और वो नहीं चाहिए, राइट? तो क्या करना है, जब भी तुम बालों को धो के निकलो ना, यू लाइक राइट आउट ऑफ द शावर, अभी तुम्हारे बाल गीले हैं, तो एक बार स्कैल्प को सुखा लो, बिल्कुल ड्राई हो जाए, बाल थोड़े से डैम्प हो, थोड़े से, तो हेयर सीरम को लगा लो। अब ऐसे नहीं है कि तुम लोग ड्राई बालों में नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, पर जब तुम्हारे बाल थोड़े से डैम्प रहेंगे, थोड़े से गीले रहेंगे, तो उसको लगाने में थोड़ी सी आसानी होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं डैम्प हेयर में लगा सकते हो। बाकी अगर तुम कहीं बाहर हो और एकदम से तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम सूखे बालों में भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी हेयर सीरम तो बहुत छोटी सी होती है, तुम हमेशा कैरी कर सकते हो अपने साथ बैग में, तो जब भी ज़रूरत लगे तभी सेट। तो गीले बालों में लगाना है और ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा लगाना है। अगर मैं इतने लंबे बालों में अपने बालों में भी लगाऊंगा तो बस इतना सा, एक या दो ड्रॉप, एटमोस्ट दो ड्रॉप मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे रूट्स में नहीं लगाना है, स्कैल्प के साइड में नहीं लगाना है, वैसे भी मुझे मिड लेंथ से नीचे अपने डैमेज एंड्स में लगाना है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा शाइन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं नीचे से लगाना शुरू करूँगा और धीरे 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 अपने मिड लेंथ तक जाऊँगा। रूट्स में नहीं लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अभी बताता हूँ मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, पर रूट्स और स्कैल्प में नहीं लगाना है, बालों में लगाना है, बेसिकली डेड एंड्स में, डैमेज एंड्स में लगाना है, वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। रूट्स में लगाओगे तो बिसाइड साइड इफ़ेक्ट, वो ऑयली और ग्रीसी तो वैसे भी कर ही देगा तुम्हारे हेड को, अगर तुम रूट एरिया में लगाओगे तो। और अगर गलती से तुमसे ज़्यादा सीरम लग जाता है और तुम्हारे बाल थोड़े ऑयली या स्टिकी या ग्रीसी हो जाते हैं, तो तुम लोग ड्राई शैम्पू को यूज़ करके उसको हटा सकते हो वहाँ से, अगर तुम्हारे पास है तो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लगाता ज़्यादा सीरम, थोड़ी सी लगाता हूँ मैं इसलिए, क्योंकि अगर तुम थोड़ी लगाओगे ना इन दी फर्स्ट प्लेस तो तुम दोबारा और भी लगा सकते हो ना, पर ज़्यादा लगा ली तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात साफ बालों में लगाना है, दूसरी बात गीले बालों में लगाना है, तीसरी बात हेयर लेंथ पे लगाना है, रूट्स में नहीं लगाना, और चौथी बात थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना हेयर सीरम को। नाउ मूविंग ऑन टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग अ हेयर सीरम। अब देखो, जो हेयर सीरम्स होते हैं वो ज़्यादातर केमिकल्स से बने होते हैं, तो हार्म कर सकते हैं तुम्हारे बालों को या फिर स्कैल्प को, अगर तुम स्कैल्प में अप्लाई कर लो तो। पर वो तब हार्म करेंगे जब तुम एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए उसको छोड़ रहे हो वहीं पर, तो केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर जाएं, हु नोस, तो वहाँ पे नहीं छोड़ना है। मानो तुमने लगाया और एक वीक तक छोड़ दिया, बालों को वॉश नहीं कर रहे, सीरम वहाँ पे है और जो ऑयल, नेचुरल ऑयल सेक्रीट होता है वो आ रहा है, गंदगी लग रही है बालों में, तो उस कंडीशन में नहीं छोड़ना है। अगर वैसे छोड़ोगे तो ब्रेकेज हो सकता है, थोड़ा हेयर फॉल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो जाए, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो रेगुलरली वॉश करते रहो हेयर को, तब जाके तुम लोग लगा सकते हो सीरम। ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ो मत अपने लेंथ में भी, रूट्स तो छोड़ो, लेंथ में भी मत ही छोड़ो उसको ज़्यादा टाइम तक। अगर तुम वीक में दो बार भी वॉश कर रहे हो तो दैट्स इनफ। एंड अदर देन दैट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, सीरम्स कैन ड्राई आउट योर हेयर। मतलब सारे सीरम्स, अलग अलग तरह के सीरम्स होते हैं, सारे सीरम्स ड्राई हेयर को ट्रीट करने के लिए नहीं होते, तो अगर तुम गलत प्रोडक्ट को उठाते हो जो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, तो वो तुम्हारे बालों को ड्राई भी कर सकता है इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजिंग। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली तुम थोड़ा कम अप्लाई करो सीरम को, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अप्लाई मत करो, मतलब जितनी बार तुम हेयर वॉश करो वॉश करते ही लगा लो थोड़ा सा, उसके अलावा नहीं। मतलब वॉश किया और डेली लगाना, मतलब डेली की डेली उसको रीअप्लाई नहीं करना है, जब जितनी बार वॉश करो और बाल सूख जाएं उतनी बार लगा लो, दैट्स इट। सो दोज वर द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग अ हेयर सीरम, एंड आई रियली रियली होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड विद दैट बीइंग सेड, माय नेम इज मनोज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।